हेलो फ्रेंड्स, अब इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि जब आप एक फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म में कोई इन्फॉर्मेशन को फिल करते हैं, जैसा कि हमने पीछे जितने भी फॉर्म बनाए और उनमें हमने टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन फिल की या चेक बॉक्स के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी, रेडियो बटन के द्वारा दी, तो उस इन्फॉर्मेशन को हमें सबमिट करवाना पड़ता है, चाहे वो इन्फॉर्मेशन आपकी सर्वर पे सबमिट हो या फिर अगर आप उसको सबमिट नहीं भी कर रहे, जैसा कि हम यहाँ पर अभी इस प्रोग्राम के अंदर क्या करेंगे, सबमिट बटन बनाएंगे, लेकिन अभी वो इन्फॉर्मेशन सबमिट नहीं होगी सर्वर पे क्योंकि हमने उसको अभी ऑनलाइन अपलोड नहीं किया है। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो सबमिट बटन है वो बनेगा कैसे। तो एक तो आपको मैं ये बताऊंगा कि सबमिट बटन कैसे बनेगा और एक आपको ये बताऊंगा कि रीसेट बटन कैसे बनेगा। आपके सिलेबस में दो बटन है, सबमिट एंड रीसेट बटन। तो पहले आपको वेब पेज दिखाता हूं कि सबमिट और रीसेट बटन होते क्या हैं। अब देखिए इस वेब पेज को, आप इस वेब पेज के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर नेम आपको तीन वैल्यू पुट करनी है। वो वैल्यू पुट करने के बाद आपको ये तीनों वैल्यू सर्वर के पास भेजनी है। तो उसके लिए आप डिपॉजिट वैल्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये जो डिपॉजिट वैल्यू बटन है ये एक्चुअल में बटन है सबमिट एक बटन है। इसके ऊपर जो प्रिंट हो रहा है डिपॉजिट वैल्यू, ये आप कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। और एक मैंने आपको बताया रीसेट बटन। रीसेट बटन का काम क्या होता है, मान लो आपने इन तीनों फील्ड में वैल्यू पुट कर दिया है, तीनों बटन में वैल्यू पुट करने के बाद आप ये चाहते हैं कि ये वैल्यू आपको नहीं एंटर करवानी, सर्वर पर सेंड नहीं करनी, कैंसिल करना है आपको, तो आप रीसेट बटन बनाएंगे। अब रीसेट बटन तो आपका बन जाएगा, लेकिन उसके ऊपर आपने रीसेट बटन के ऊपर प्रिंट क्या करना है वो आप अपनी मर्जी से कुछ भी प्रिंट कर सकते हैं। जैसा कि हमने रीसेट बटन के ऊपर कैंसिल प्रिंट कर दिया है, तो हम यहाँ पर कैंसिल बटन तो आपका रीसेट ही है, तो देखने के तौर पर हम कह सकते हैं कि कैंसिल बटन बन गया। तो मैं आपको ये दोनों बटन काम करके दिखाता हूँ। फर्स्ट नेम दे दिया, लास्ट नेम दे दिया, फादर नेम। अब डिपॉजिट वैल्यू, इस पे हम क्लिक करते हैं तो ये वैल्यू सर्वर के पास डिपॉजिट हो चुकी है। और इसी तरह से अब हमने ये जो वैल्यू दी है, हम चाहते हैं कि ये वैल्यू सर्वर के पास अपलोड ना हो, तो उसके लिए हम कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे। ये वैल्यू सर्वर के पास नहीं जाएगी और कैंसिल हो जाएगी, यानी कि ये कैंसिल वाला बटन रीसेट का काम करेगा, हो गया आपका रीसेट। अब ये सबमिट और रीसेट बटन बने कैसे, इसका हम प्रोग्राम देखते हैं। एक तरफ हमने वेब पेज ओपन कर दिया, एक तरफ प्रोग्राम, तो शुरू करते हैं। HTML हेड टाइटल, बॉडी के अंदर बीजी कलर रेड कर दिया है और टेक्स्ट वाइट कर दिया है, देखें आप आ रहा है, बैकग्राउंड रेड आ रहा है और टेक्स्ट वाइट आ रहा है। उसके बाद लेबल, फर्स्ट नेम, और ये आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक इन लाइनों में ये बताया गया कि पहले तीन लेबल कैसे आएंगे और पहले तीन टेक्स्ट बॉक्स कैसे आएंगे। टेक्स्ट बॉक्स बनाना हम पहले ही कर चुके हैं, तो इनमें तो उम्मीद है आपको कुछ नहीं पूछना होगा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि बटन कैसे बनते हैं। बटन बनाने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं, इनपुट टैग से, ये वाला, ये इनपुट टैग से ही हमारा डिपॉजिट बटन बनेगा। तो ये इनपुट टैग, उसके बाद बटन का एक नाम देना होगा, हमने
पहले बटन का नाम दे दिया बटन वन, डिपॉजिट वाले बटन का नाम दे दिया बटन वन, और इसका हमें टाइप देना पड़ेगा सबमिट। टाइप देना पड़ेगा सबमिट। सबमिट टाइप दोगे तो ये जो बटन आपका बनेगा इसका काम होगा कि वैल्यू को सर्वर के पास सेंड कर दे, डिपॉजिट कर दे। अब क्वेश्चन ये है कि सबमिट बटन के ऊपर क्या लिखा हुआ आएगा, जैसा कि यहाँ पर हम देख रहे हैं सबमिट बटन के ऊपर लिखा हुआ रहा है डिपॉजिट वैल्यू, डिपॉजिट वैल्यू। तो आप जो भी प्रिंट करना चाहें बटन के ऊपर वो आप वैल्यू एट्रीब्यूट के आगे लिख दें, वैल्यू वैल्यू एट्रीब्यूट के आगे जो भी लिखेंगे वो बटन के ऊपर लिखा हुआ आएगा। तो ये आपका सबमिट बटन बन चुका है। इसी तरह से आपका रीसेट बटन बनेगा। इनपुट बटन का नाम, टाइप में रीसेट देना है। सिर्फ डिफरेंस ये है कि सबमिट में सबमिट बटन के लिए टाइप में सबमिट देना है, रीसेट बटन के लिए टाइप में रीसेट देना है, और वैल्यू में जो भी आप देंगे वो बटन के ऊपर प्रिंट हो जाएगा। तो आप इस प्रोग्राम का स्क्रीनशॉट लें जल्दी से और इसको अच्छे से रीड करें। कोई दिक्कत आती है कमेंट में पूछ सकते हैं। तो ये आपका लेसन फिफ्थ चल रहा है, फॉर्म्स एंड फ्रेम्स। तो मैं आपको बता दूं कि आपके सीबीएसई के सिलेबस में सिर्फ फॉर्म्स दिए हुए हैं, फ्रेम्स का सिलेबस आपके अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक प्रोग्राम फ्रेम का भी समझा देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और वेब पेज का भी। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो चलिए थोड़ा फ्रेम के बारे में आपको बता देता हूँ मैं। पहले आपको ये बताना चाहिए फ्रेम होता क्या है। अगर आप अपने वेब पेज को एक से ज़्यादा सेक्शंस में डिवाइड करना चाहते हैं, अगर आप अपने वेब पेज को एक से ज़्यादा सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं, जैसा कि हमने अपने ये आपको मैं एक वेब पेज ओपन करके दिखा रहा हूँ। अब इस वेब पेज को हमने दो सेक्शंस में डिवाइड करके है और दोनों सेक्शन आपके वर्टिकली डिवाइड हैं। इस सेक्शन को देखें आप, इस सेक्शन के अंदर हमारा एक वेब पेज आ रहा है, इस सेक्शन में दूसरा वेब पेज आ रहा है, दो वेब पेज आ रहे हैं एक ही वेब पेज के अंदर। आप यहाँ पर कोई भी फाइल ला सकते हैं दोनों सेक्शन में। तो ये हैं आपके दो फ्रेम, और ये जो फ्रेम का रेशियो है ये आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका प्रोग्राम दिखाता हूँ। ये प्रोग्राम है HTML हेड टाइटल फ्रेम सेट। फ्रेम सेट के द्वारा आप ये डिफाइन करते हैं कि आपको अपने वेब पेज को कितने सेक्शन में डिवाइड करना है और उन सेक्शन का रेशियो क्या हो। जैसा कि हमने अपने वेब पेज को दो सेक्शन में डिवाइड किया हुआ था और जो पहला सेक्शन था वो 70% आ रहा था और दूसरा सेक्शन 30% आ रहा था, तो वो दोनों सेक्शन जो आपके डिवाइड थे वो आपके वर्टिकली डिवाइड थे, क्योंकि हमने यहाँ पर कोल्स लिखा हुआ है। अगर आप उन्हें हॉरिजॉन्टली डिवाइड करना चाहें हॉरिजॉन्टली कर दें, उसके लिए आपको यहाँ पर रोज लिखना है। और दो से ज़्यादा सेक्शन में डिवाइड करना है तो आप यहाँ पे दो से ज़्यादा रेशो दे दें, लेकिन उनका जो टोटल है वो 100% के अंदर ही आए। तो फ्रेम सेट से आप सेक्शन डिफाइन करते हैं कितने सेक्शन में डिवाइड करना है, और जितने भी सेक्शन में आपने डिवाइड करना है हर सेक्शन में कौन सा वेब पेज आए वो आप नीचे यहाँ पर फ्रेम एसआरसी के आगे यहाँ पर एड्रेस पेस्ट करेंगे कि पहले सेक्शन में कौन सा वेब पेज आए, और यहाँ पर दूसरा एड्रेस आएगा कि दूसरे सेक्शन में कौन सा वेब पेज आए। फ्रेम एसआरसी, इसको आप रीड करें, इसका स्क्रीनशॉट लें और इन सारों की प्रैक्टिस ज़रूर करें। बिना प्रैक्टिस के आपका एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा अच्छे से।
तो स्टूडेंट्स आप अगर पीछे वाले लेसन करना चाहें तो उनके भी लिंक दिए हैं, और आपको फिर से अश्योर कर रहा हूँ कि अगर आप ये सब प्रोग्राम कर लेते हैं तो बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके 100% मार्क्स आने की गारंटी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।